फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सत्तू के पराठे। ये बिहार की एक बहुत ही फेमस डिश है। इसमें सत्तू के मसाले की फिलिंग करके ये पराठा बनाया जाता है। तो चलिए हम भी बनाना शुरू करते हैं सत्तू के पराठे। अब हम बनाएंगे सत्तू का मसाला जो फिलिंग होगी पराठे की। इसके लिए ये एक कप लगभग मैंने सत्तू लिया है। ये चार से पांच पराठे बनाने के लिए इतना बहुत है। इसमें हम ऐड करेंगे ये कटा हुआ प्याज, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। इसके बाद ये हरी मिर्च, इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट डलता है ये, जैसे आप आम का अचार मैं यूज़ करूँगी तो इसके जो पीस होते हैं उसको मैंने निकाल के ये अच्छे से मैश कर लिया है हैंड से। तो इसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है तो आप इसे ऐड ज़रूर करिएगा। इसके बाद ये लगभग एक बड़ा चम्मच का नींबू का रस लिया है मैंने, इसको भी ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करना है। वैसे तो इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, और अगर आपके पास ये जो अचार हमने यूज़ किया था इसी का ही ऑयल हो तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें अचार के फ्लेवर्स भी होते हैं। तो ये लगभग एक बड़ा चम्मच मैं इसमें तेल ऐड कर दूँगी। अब इसमें हम डालेंगे नमक, ये नॉर्मल वाइट नमक है, ये काला नमक, हरी मिर्च मैंने इसमें पहले से ऐड कर दी है। अगर आपको और तीखा चाहिए तो आप लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। वैसे अचार के मसाले में भी काफ़ी मिर्ची होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कैसा मसाला बनाना है। अब इनको सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये सारा मसाला मिक्स हो गया इसमें। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये अभी ड्राई है। पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करना है क्योंकि हमें इसको गूंथना नहीं है, इसको बस थोड़ा सा गीला हो जाए ये, जिससे आपको फिलिंग में इजी रहेगा, क्योंकि अगर ये ड्राई रहेगा तो आप फिलिंग करते नहीं बनेगा इससे। ये देखिए अभी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है और एकदम सूखा भी नहीं है। तो इस तरीके से हमें फिलिंग रेडी करना है। अब हम आटा रेडी करेंगे। इसके लिए ये मैंने 3 कप आटा ले लिया है। इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि मसाले में ऑलरेडी सॉल्ट है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे लगभग 1 छोटा चम्मच। इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये अचार का जो मैंने मसाला बनाया था उसी कटोरी में ही मैंने पानी ले लिया है, तो इससे अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथ लेंगे। अभी आटा बिल्कुल तैयार है। देखिए सॉफ्ट आटा होना चाहिए क्योंकि हमें फिलिंग करनी है, अगर सॉफ्ट नहीं होगा तो फिलिंग सारी बाहर आ जाएगी। चलिए अब हम सत्तू का पराठा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो मसाला हमने बनाया था ये ले लिया है, ये आटा जो हमने गूंदा था पराठे के लिए वो लिया है, सूखा आटा जो हमें बेलने के लिए का लगेगा, और इसको हम सरसों के तेल में फ्राई पकाते हैं पराठों को, तो इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा सरसों का तेल निकाल लिया है। अब सबसे पहले छोटी सी लोई ले लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े पराठे नहीं बनाने हैं इसके, क्योंकि अगर ये फट जाता है तो इसकी फिलिंग बाहर निकलने लगती है। ऐसे हमने एक ये लोई ली है छोटी सी, इसको सूखे आटे में एक बार अब इसको ऐसे इसके एक कटोरी जैसी बनानी है जिसमें हमें फिलिंग डालनी होगी। तो ये हमारी तैयार हो गई, इसमें हम ये फिलिंग ऐड करेंगे। इसको हल्का सा ऐसे इसको ऐसे प्रेस करेंगे
तो इसको हमें बंद कर देना है। जो ऊपर का एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल देंगे और ये हमारा फिलिंग की पिट्ठी रेडी हो गई है। थोड़ा थोड़ा हम इसको पहले हाथ से ही प्रेस करके फैला लेंगे, इसको फ्लैट कर लेंगे। अब हम लेंगे बेलन और बहुत ही हल्के हाथ से, बहुत दबाना नहीं है इसको, आप प्रेस करेंगे तो फिलिंग बाहर आ जाएगी। और ऐसे इसको रोल करते हुए चारों तरफ से ऐसे बेल लेना है। ये हमारा पराठा बेल गया है। पराठे को तवे पे डाल लेंगे। अब इसको एक साइड से सिकने देंगे, तब तक मैं दूसरा पराठा भी रेडी कर लेती हूँ। देखिए अभी एक तरफ से इसमें काले काले ये स्पॉट्स आने लगे हैं, तो इसको हम पलट के दूसरी तरफ से थोड़ा सा पकने देंगे। अभी दूसरे साइड से भी पराठा सिक गया थोड़ा सा। अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे, अच्छे से प्रेस करते करते हम ऑयल इसमें अप्लाई करेंगे। एक साइड पे ऑयल लग गया है, ऐसे ही हम इसको पलट के दूसरे साइड पे भी हम ऑयल लगाएंगे। अभी पराठा हमारा रेडी है, इसको हम निकाल लेते हैं। पराठा बिल्कुल रेडी है, इसमें एक बार फिलिंग देख लेते हैं। ये देखिए इवनली फिलिंग हमारी स्प्रेड हुई है पराठे के अंदर। अब आप अपनी मनपसंद चटनी या रायते के साथ इसका स्वाद लीजिए। अगर आपके वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।